तो कहानी की शुरुआत में हमें ग्रेस नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक जैक नाम के लड़के के साथ एक फ्लैट में रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रेस कहीं पर जाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसे फ्रैंक नाम के एक पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। वो ग्रेस से कहता है कि उसे उसकी फैमिली से रिलेटेड कुछ सामान मिला है। अब असल में ग्रेस अनाथ थी और वो बचपन से ही अपने पेरेंट्स को नहीं जानती थी। तभी यहाँ पर जैक ग्रेस से उसके पेरेंट्स से मिलने को कहता है और ये सुनकर ग्रेस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कुछ टाइम बाद ये दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक के पेरेंट्स ग्रेस से अच्छे से बात नहीं करते, जिसकी वजह से वो काफी अपसेट हो जाती है। इसके बाद जैक उसे समझाता है और अपने पेरेंट्स के बिहेव के लिए उससे माफी भी मांगता है। इसके बाद ग्रेस शांत हो जाती है और वो दोनों फ्रैंक से मिलने निकल जाते हैं। तो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये मूवी अलग अलग पार्टों में एक्सप्लेन की गई है, तो हम आपको इसके अलग अलग पार्टों को समझाएंगे। तो इस मूवी का सबसे पहला पार्ट है इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम देखते हैं कि जैक और ग्रेस फ्रैंक से मिलने उसके घर आते हैं, लेकिन फ्रैंक यहाँ पर मौजूद नहीं होता। लेकिन ग्रेस जानती है कि फ्रैंक अपने घर की चाबी कहाँ रखता है। इसके बाद वो गमले के नीचे से चाबी निकालती है और घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद वो फ्रैंक का इंतजार करने के लिए वहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेस जॉगिंग के लिए चली जाती है और जैक गाड़ी में से सामान निकालकर घर के अंदर लाने लगता है। इधर जब ग्रेस जॉगिंग करते समय काफी आगे तक चली जाती है, तब उसे रास्ते में एक सांप दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और इसके बाद तुरंत ही घर की तरफ वापस मुड़ जाती है। इधर जैक जब घर के आसपास देख रहा होता है, तभी उसे जंगल के पास ही एक अजीब सा जानवर का मास्क दिखाई देता है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे इग्नोर कर देता है। इधर जब ग्रेस घर आती है तो उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। यहाँ पर उसे लगता है कि फ्रैंक का कॉल है, लेकिन जब वो बात करने की कोशिश करती है तो उसकी ठीक से बात नहीं हो पाती। इसके बाद जब वो घर के किचन में जाती है, तब उसे विंडो के बाहर एक तालाब के पास में कोई खड़ा दिखाई देता है। अब इससे पहले वो उसे ठीक से देख पाती कि तभी वहाँ पर वही सांप आ जाता है, जिससे वो डर जाती है और उसके हाथ का गिलास छूटकर नीचे गिर जाता है और गिलास का कांच उसके पैर में लग जाता है। इसके बाद जब वो वापस से तालाब के पास देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद जैक भी यहाँ पर आ जाता है और उसके पैर में से कांच निकाल कर उसके पैर का ट्रीटमेंट कर देता है। इसके बाद रात को जैक उसे जंगल में मिलने वाली चीज के बारे में बताता है और ग्रेस से कहता है कि ये जगह काफी अजीब है, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जैक से कहती है कि फ्रैंक के यहाँ आने तक उन्हें रुकना पड़ेगा। ये सुनकर जैक भी उसकी बात पर एग्री हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद हमें दूसरे पार्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसका नाम था सेजुकेशन था, जिसमें जैक बाथरूम में नहा रहा होता है और ग्रेस अभी तक सो रही होती है। इसी दौरान उसे एक बुरा सपना आने लगता है, जिसमें वो देखती है कि किसी ने एक लड़की को पजेस कर रखा है और वो लड़की हवा में लटकी हुई है। इसी समय एक आदमी जिसने वही मास्क पहना हुआ था जो जंगल में जैक को मिला था, वो यहाँ पर ग्रेस के ऊपर एक रिचुअल करने लगता है और इसके बाद ग्रेस उसके बस में आ जाती है। इधर जब जैक नहाने के बाद दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वो दरवाजा लॉक होता है। इसके बाद वो दरवाजे को तेजी से धक्का देकर खोल देता है और वो ग्रेस के पास जाकर उसे उठाकर उससे कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि ये जगह हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब ग्रेस भी उसकी बात पर एग्री हो जाती है, क्योंकि उसने भी सपने में कुछ अजीब चीजें देखी थी। इसके बाद जैसे ही जैक अपना सारा सामान लेकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी वो दरवाजे पर एक मरी हुई बिल्ली को देखता है, जिसके चारों तरफ एक डीमन का सिंबल भी बना हुआ था। ये देखकर जैक को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो ग्रेस को घर के अंदर चलने को कहता है। इसके बाद वो हिम्मत करके घर के बाहर जाता है ताकि वो गाड़ी को दरवाजे तक ला सके, और जब वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी के सामने कोई खड़ा है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और ग्रेस के साथ फिर से घर के अंदर चला जाता है। तभी उन्हें घर के चारों तरफ कुछ लोग दिखाई देते हैं जिनके हाथों में मसाले होती हैं। इसके बाद हमें अगला पार्ट द एनकाउंटर को दिखाया जाता है। यहाँ पर जैक को लग रहा था कि वो सभी लोग किसी कल्ट का हिस्सा हैं और वो लोग शायद इन्हें मारने आए हैं। इसके बाद वो दोनों मदद के लिए फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका किसी से भी कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता। इसके बाद जब ये दोनों घर के पीछे वाले हिस्से को चेक करने आते हैं, तभी इन्हें यहाँ पर कुछ लोग दिखाई देते हैं। इस सबसे जैक काफी ज्यादा परेशान हो गया था और इनसे कहता है कि तुम ये सब नाटक करना बंद करो, क्योंकि जैक को लगता है कि कोई उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ग्रेस जैक को घर के अंदर ले आती है और जैसे ही वो घर के अंदर आकर बैठते हैं, तभी घर के फोन पर एक रिंग बजती है और जैक जैसे ही फोन उठाता है, तभी उसमें कोई आदमी बोलता है कि हमें सिर्फ वो लड़की चाहिए और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो मारा जाएगा, और इतना कहकर कॉल कट जाता है। इसके बाद ग्रेस उससे उस कॉल के बारे में पूछती है, इस पर जैक उसे कुछ भी नहीं बताता है। इसी दौरान घर के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। इसके बाद जब जैक चेक करने जाता है तो वहाँ पर उसे बेन नाम का एक आदमी मिलता है।
देखता है जो कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक का दोस्त था। इस पर जैक उसे बताता है कि वो यहाँ फ्रैंक से मिलने आए हैं क्योंकि फ्रैंक ने ही उन्हें बुलाया था। इसके बाद ये दोनों बेन को कल्ट के लोगों के बारे में बताने लगते हैं। ये सुनकर बेन को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता क्योंकि घर में आते वक्त उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया था। इसके बाद जब वो अपने ट्रक में से अपना फोन लेने जाता है तब बेन को वो सभी लोग दिखाई देने लगते हैं। ये देखकर बेन काफी ज्यादा डर जाता है और उनके साथ मिलकर गन ढूंढने लगता है ताकि वो लोग यहाँ से निकल सकें। लेकिन इन लोगों को काफी ढूंढने के बाद भी गन नहीं मिलती। इसके बाद जब बेन एक अलमारी का दरवाजा खोलता है तब उसे वहाँ पर फ्रैंक की डेड बॉडी मिलती है। अब उसकी बॉडी को देखकर ये लग रहा था कि कुछ दिनों पहले ही उसकी मौत हुई है क्योंकि उसकी बॉडी की कंडीशन काफी खराब हो चुकी है। ये देखकर बेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक रॉड लेकर बाहर खड़े लोगों को मारने के लिए चला जाता है। और जब वो उन पर अटैक करने की कोशिश करता है तभी कल्ट का लीडर किसी पावर से उसे कंट्रोल कर लेता है और उसके शरीर के हड्डियों को तोड़ने लगता है। तभी उसका एक साथी एक तलवार से उस पर अटैक कर देता है जिससे बेन वहीं पर मारा जाता है। इधर ग्रेस को अजीब से सपने आने लगते हैं जिसमें वो खुद को जंगल के बीचों बीच पाती है और यहाँ पर वही कल्ट के लोग भी थे। इसके बाद इस मूवी का अगला पार्ट द एक्सपीरियंस चालू हो जाता है। यहाँ पर जंगल में जब ग्रेस भागने की कोशिश करती है इसी दौरान उसके कपड़ों में खून लग जाता है। तभी जैक उसे तेजी से आवाज लगाने लगता है जिससे ग्रेस होश में आ जाती है। इसके बाद जैक उसे एक जगह छोड़कर फिर से गन ढूंढने निकल जाता है। तभी वो खिड़की के बाहर देखता है जहाँ पर वो लोग एक डिमोनिक साइन जला रहे थे और वो जैक की तरफ इशारा करते हैं कि ग्रेस को वो उनके हवाले कर दे। इधर ग्रेस घबराते हुए अपने फोन को ढूंढने लगती है। तभी उसे बेड के पास अपना फोन मिल जाता है जिसमें किसी की कॉल आ रही थी। उस फोन में से किसी आदमी की आवाज आ रही थी जो कि उसे अपने साथ चलने को बोल रहा था। साथ ही हम देख पाते हैं कि वो आदमी उसके नाम के बारे में भी जानता है। ये देखकर ग्रेस काफी ज्यादा डर जाती है और फोन फेंक कर चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर जैक उसके पास आता है और उसे शांत करने लगता है। इसके बाद वो दोनों देखते हैं कि गन असल में फ्रैंक की बॉडी के पीछे पड़ी हुई है। इसके बाद वो उसके पीछे से गन निकाल लेते हैं लेकिन उसमें एक भी बुलेट नहीं थी और इसीलिए वो दोनों दूसरे कमरों में बुलेट्स ढूंढने लगते हैं। और किस्मत से उन दोनों को एक कमरे में बुलेट्स मिल भी जाती हैं। और जैसे ही वो गन को लोड करने वाले होते हैं तभी यहाँ पर एक कल्ट का आदमी आ जाता है और पीछे से जैक पर अटैक करने लगता है। वो ग्रेस को दरवाजे से बाहर कर देता है और जैक को चाकू से मारने लगता है। इसके बाद ग्रेस जल्दी से दरवाजा खोलती है और गन से शूट करके उसे मार देती है। और इसके बाद यहाँ से हमें मूवी का अगला पार्ट द रिचुअल दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों को उस कमरे में एक बुक मिलती है जिसमें एक डेमन के बारे में लिखा हुआ था जिसमें उन्हें पता चलता है कि 400 साल पहले तीर्थ यात्रियों को काफी टॉर्चर किया गया था जिसकी वजह से उन्होंने क्रिश्चियनिटी को ठुकरा दिया था। इसी दौरान उनकी मुलाकात उत्केना नाम की एक डेमन से हुई थी और लोग उसी को ही गॉड मानकर उसी की ही पूजा करने लगे। इस बात से परेशान होकर रेड इंडियंस ने इस तरह के रिचुअल करके उत्केना को जमीन के अंदर कैद कर दिया और तभी से उन लोगों का मानना है कि डेमन भविष्य में जरूर आएगा लेकिन उसे दुनिया में वापस बुलाने के लिए एक होस्ट की जरूरत पड़ेगी और ये उसी रात हो सकता है जो कि लॉन्ग नाइट यानी कि आज की रात है। और इससे हमें पता चलता है कि वो कल्ट के लोग डेमन के गुलाम है और ये लोग ग्रेस को होस्ट बनाकर उत्केना को आजाद कर लेंगे। और ये सब उस किताब में देखकर वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसी दौरान कल्ट का एक आदमी फिर से उसी कमरे में आ जाता है और वो पीछे से जैक की कमर पर अटैक कर देता है जिससे जैक थोड़ा सा घायल हो जाता है। और तभी ये दोनों उसी कमरे में बंद करके बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक और आदमी आकर उन पर अटैक करने लगता है। यहाँ पर जैक उसे शूट करने की कोशिश करता है लेकिन वो गन को फेंक देता है। तभी ग्रेस काफी गुस्से में उस पर अटैक कर देती है और एक रॉड की मदद से उस पर बार बार अटैक करने लगती है जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। अब यहाँ पर जैक ग्रेस को पहली बार इतने गुस्से में देखता है और उसे इतने गुस्से में देखकर काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो ग्रेस को रोकने को कहता है लेकिन तभी ग्रेस गन उठाकर कहती है कि अब हमें ये सब खत्म करना पड़ेगा और इतना कहकर वो घर के बाहर आ जाती है और उन्हीं कल्ट के लोगों पर गन पॉइंट करती है। लेकिन तभी कल्ट का लीडर अपनी पावर से उस गन को फेंक देता है और ग्रेस को हवा में लटका देता है। इसके बाद वो सभी लोग रिचुअल करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर जैक उसकी मदद करता है और गन उठाकर उसके एक आदमी को शूट कर देता है जिससे उन लोगों का रिचुअल टूट जाता है और ग्रेस नीचे गिर जाती है। इसके बाद जैक जल्दी से ग्रेस को घर के अंदर लेकर जाता है और उसे घर के पीछे वाले रास्ते से भागने को कहता है लेकिन ग्रेस उसके बगैर जाने से मना कर देती है। अब क्योंकि जैक घायल था इसीलिए वो उन लोगों को वहीं पर रोकने के लिए रुकने को कहता है। इसके बाद ग्रेस जंगल की तरफ भाग जाती है। इधर वो लोग जैक को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं जिससे जैक काफी ज्यादा घायल हो जाता है। दूसरी तरफ ग्रेस को जंगल में भागते भागते
एक लड़का और एक लड़की इंटीमेट होते हुए दिखाई देते हैं। अब ये लड़का और लड़की उसी कल्ट का हिस्सा थे, जिन्हें देखकर ग्रेस काफी ज्यादा घबरा जाती है और वापस से घर की तरफ भागने लगती है। इसके बाद हमें अगला पार्ट दिखाया जाता है जिसका नाम द कॉमिटियल है। यहाँ पर ग्रेस घर आकर जैक को आवाज लगाने लगती है। इसी दौरान वो देखती है कि जैक को उन लोगों ने घर के बेसमेंट में बांध के रखा है। ग्रेस उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कल्ट के सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर ग्रेस उन सभी को दूर रहने को बोलती है। इसके बाद जब कल्ट का एक मेंबर अपना मास्क हटाता है, तब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो एक औरत है। इसके बाद वो ग्रेस का स्वागत करती है और उसे कहती है कि जहाँ पर उत्कैना को दफन किया गया था, वहीं पर फ्रैंक का घर है। इसके बाद वो औरत उसे बताती है कि वो हमारे 400 साल पहले गॉड थे और अब हमें उन्हें आजाद करना है, ताकि वो इस दुनिया में आकर सभी लोगों को उनके दर्द से आजाद कर दें। और ये सब करने के लिए उन्हें ग्रेस की बॉडी चाहिए होगी। अब उसकी बातचीत से हमें पता चलता है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि ग्रेस की मॉम है और वो खुद इस कल्ट का हिस्सा है। वो यहाँ पर ग्रेस को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बार बार मना कर रही थी। इसके बाद ग्रेस की मॉम उसे एक फ्लैशबैक का सीन दिखाती है, जहाँ पर हम उस समय का समय देखते हैं जब ग्रेस की मॉम की डिलीवरी का समय था। यहाँ पर वो ग्रेस के साथ साथ दो सांपों को भी जन्म देती है, जिसका इशारा था कि उक्टेना उसी बच्चे को अपना होस्ट बनाएगा जिसके जन्म के साथ दो सांप भी निकले। यहाँ पर उसके आसपास वो कल्ट के लोग भी थे। अब फ्लैशबैक देखने पर ग्रेस को काफी अजीब लगता है। तभी कल्ट का एक आदमी उसे खून से भरा हुआ एक ग्लास देता है। यहाँ पर ग्रेस बिना कुछ सोचे समझे वो पी जाती है और उसे पीने के बाद वो चिल्लाना शुरू कर देती है और अपने बालों को नोचने लगती है। ये देखकर वो कल्ट के लोग उटकैना को आवाज लगाने लगते हैं। तभी ग्रेस चिल्लाना बंद कर देती है, जिससे सभी लोगों को लगता है कि उटकैना आजाद हो गई है, जिसकी वजह से वो कल्ट के सभी लोग उसके सामने झुकने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ग्रेस को उटकैना ने अपना होस्ट बना लिया है। इसके बाद ग्रेस की मॉम उसे कहने लगती है कि वो उन्हें आगे की राह दिखाए, लेकिन ग्रेस उसे अपनी माइंड पावर से मार देती है। इसके बाद वो तेजी से चिल्लाने लगते हैं, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी कल्ट के लोग मारे जाते हैं। इसके बाद हम मूवी के आखिरी पार्ट द रिन्यूअल को देखते हैं, जहाँ पर ग्रेस जैक के पास जाती है और उसे किस करने लगती है, लेकिन इसी दौरान वो एक चाकू की मदद से उसे मार देती है। इसके बाद मूवी के लास्ट में हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रेस फ्रैंक के घर के बाहर आ जाती है और वहाँ पर अपनी मॉम की बात याद करने लगती है, जिसमें वो कह रही थी कि उक्टेना यहाँ 400 साल से कैद है, लेकिन इस बार उक्टेना उस जगह को पार करके वहाँ से बाहर निकल रहा है, यानी कि डेमन अब आजाद होकर घूमने निकल गया है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।